वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आब, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे अक्वा प्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में एयर और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी भी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदिए। इतक सुंदर लिहिलेला है, त्याला एक अशी छान लय आहे। मगाशी मी सांगत असताना म्हणत होतो की जिसमें एक लय है, आरोह अवरोह उसके तय है, तो उसकी वजह से याद नहीं करना पड़ता क्या बोल रहा हूं मैं। वो जाके बचपन की कविता है, वाटते सानुली मंद झुळ कमी भावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे, कधी बाजारी तर कधी नदीच्या काठी, वेळू तर कधी पडक्या वाड्या पाठी, हे आठवावे नाही लागत। त्या आतमध्ये रक्तामध्ये अशा इतक्या आतमध्ये खोल रुतलेल्या असतात, त्यामुळे ते अशा सहज, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन।